190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। लतीफ खोसा समेत चेयरमैन पीटीआई के वकला पेश हुए। बुशरा बीबी भी अडियाला जेल पहुंची। जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। नैब ने अदालत से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने नैब की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए चेयरमैन पीटीआई का जुडिशियल रिमांड दे दिया। अडियाला जेल के बाहर लतीफ खोसा ने मीडिया टाक से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड बराह रास्त सरकारी में मुंतकिल कर दिए। अलकादर ट्रस्ट का केस तो अब खत्म हो गया है। ये कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं अभी तक। ये फिर वही शाख्साना करेंगे कि देखें जी उनकी सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी का रियासत का काम है सिक्योरिटी फराहम करना। लतीफ खोसा ने कहा कि इद्दत के दौरान नकाब वाले केस में भी कुछ नहीं। अगर -1 और 2 का फार्मूला बनाएंगे तो मुल्क आगे नहीं जाएगा।